हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न अकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट बंगाल एजुकेशन, यानी आप अगर क्लास टेंथ या क्लास ट्वेल्थ अगर बेस्ट बंगाल बोर्ड से कर रहे हैं तो क्लास तीन वाली बच्चों की जो है अभी वो रिज़ल्ट की जो है वो वेट कर रहे हैं, और ट्वेल्थ वाले जो बच्चों हैं वो बाकी के जो एग्ज़ाम हैं उनकी जो जुलाई के महीने में होने वाले हैं वो अभी भी डाउट पे हैं कि क्या उनके एग्ज़ाम हैं, क्या होने वाले हैं या नहीं। जैसे कि हमने देखा ICC NISC बोर्ड जो हैं वो अपने बोर्ड को प्री बोर्ड का मार्क्स काउंट करके एग्ज़ाम को कैंसिल करवाने की सोच रहे हैं। तो क्या आपके बोर्ड में भी ऐसे होने वाले हैं या नहीं, तो आइए इसी बात को मैं पूरा क्लियर करूंगा, और वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा तभी आपको समझ आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है वो माध्यमिक रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो चुकी है फरवरी के ही महीने में, बट अभी तक जो है आपकी बोर्ड की तरफ से जो है वो रिज़ल्ट जो है वो कंडक्ट नहीं करवा पा रही है। एक्चुअली बात है कि जो आपकी काउंसिल्स हैं वो एग्जैक्ट डेट नहीं बना पा रही है कि आपकी जो रिज़ल्ट है वो इस डेट पर आउट करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं करंट सिचुएशंस किस तरह किस हालात में है इंडिया की। और हमारे जो वेस्ट बंगाल के एजुकेशन मिनिस्टर है वो भी कह रहे थे कि अभी हमारे पास इतनी ज़्यादा प्रेशर हो चुके हैं कोरोना वायरस की कि वो प्रॉपर डेट जो है वो नहीं बना पा रहे हैं आपकी माध्यमिक रिजल्ट्स के लेकर। और टीचर्स भी में भी पेपर अभी तक बहुत ही सारा पेपर जो है आपका चेक नहीं हुआ है, तो आशा करता हूँ जल्द से जल्द जो आने वाला समय है निकल जा सकता है आपका रिज़ल्ट, तो ज़रूर मैं आप सब तक इन्फॉर्म कर दूँगा। अब बात कर लेते हैं क्लास ट्वेल्व वाले बच्चों की। फ्रेंड्स, अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ट्वेल्व यानी उच्च माध्यमिक, अगर आप क्लास ट्वेल्व कर रहे हैं तो अभी तक आपकी जो बाकी के एग्ज़ाम है वो आपकी जो एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे वेस्ट बंगाल के श्री पार्थ चटर्जी ने अनाउंस किया था कि आपकी जो बाकी के एग्ज़ाम है वो 2 तारीख से ली जाएगी, यानी 2 जुलाई से लेकर आपकी 3 दिन का जो एग्ज़ाम है 2, 6 और 8 जुलाई की आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। बट आपके मन में ज़रूर डाउट होगा कि ज़रूर आप जैसे देखें ICSE और जो ISC बोर्ड वाला का क्या किया है कि जो मुंबई हाईकोर्ट की तरफ से अपील आई थी कि जो आप सिचुएशंस अभी कोरोना बढ़ती जा रही है तो स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम देंगे तो क्या इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं बहुत ही सारा, तो ISC बोर्ड इस दौरान क्या किए कि जो प्री बोर्ड यानी जो प्री बोर्ड में जो मार्क्स थे वो मार्क्स लेकर उनकी बच्चों की जो है वो एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं। जो एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं वो जो प्री बोर्ड की मार्क्स है वो ऐड कर दी जाएगी आपके रिज़ल्ट में। तो आपके मन में भी ज़रूर डाउट होगा क्या आपके साथ भी ऐसा होगा। फ्रेंड्स देखिए, ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारे जैसे कि मुंबई दिल्ली में हालात है वैसे कोलकाता का भी सिचुएशंस उस कंडीशंस पे ही है, क्योंकि यहाँ पे भी डेली केसेस आ रही है कोरोना वायरस की। तो जो आपकी बातचीत है वो चर्चा है चल रही है ऑफिशियल जो एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे श्री पार्थ चटर्जी ने, आपकी भी ऐसी ही कंडक्ट ली जाएगी अगर आपकी एग्ज़ाम कि आपकी भी जो प्री बोर्ड में जो आप सिलेक्शंस में एग्ज़ाम दिए थे क्लास ट्वेल्थ में जो बोर्ड की एग्ज़ाम थे वहाँ पे अगर आप मार्क्स लाएँ तो वो मार्क्स लेकर भी आपके हो सकती हैं। फ़िलहाल अभी तो इस पर कोई अपडेट नहीं आया है, ठीक है, तो मुझे लगता है आने वाला समय में या आने वाला वीक में ये अपडेट आपके भी आ जाएंगे क्या आप एग्ज़ाम देंगे या आपकी जो प्री बोर्ड की मार्क्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो इसके लिए तो अपडेट हमारे जो यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर श्री पार्थ चटर्जी ही दे सकते हैं, तो इनका बस हमारा रिजल्ट्स का और इनका जो मीटिंग का हमें वेट करना है। इसके बाद जो है हमारा जो है आपकी भी कन्फ्यूजन्स कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है कि नहीं वो ये ज़रूर कन्फर्म कर देंगे। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।